सो गाइस, आपको पता है इंस्टाग्राम की एडिटिंग में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? मनी हिंस्ट के सीजन 4 के पोस्टर की एडिटिंग। सो यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम द गॉड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हो एंड आप एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर से नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल मनी हिंस के जो सीजन 4 आया है उसके चैप्टर की एडिटिंग बहुत ट्रेंड में चल रही है एंड काफ़ी क्रिएटर ने इसके ऊपर एडिटिंग करी है। सो गाइस, हम भी ठहरे क्रिएटर तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इस पर एडिटिंग करने का। सो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना फोटो कुछ इस तरह से क्लिक करा लेना। सिंपली से मुझे ये वाला फोटो बहुत अच्छा लग रहा है एंड इस वाले फोटो को मैं सबसे पहले लेके जाऊंगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद हमें अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। जाना है कटआउट वाले टूल्स पर एंड आप सभी को पता है किस चीज़ पर क्लिक करना है। जी हाँ, क्लिक करना है हमें पर्सन पर। एंड पर्सन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर लेता है, काफ़ी अच्छा नहीं करता है बट थोड़ा बहुत कर लेता है। बाकी हमें अपने हाथ से करना होता है अनहाइड करके, जो जो कमी है वो आपको ठीक कर लेना है। ओवरऑल ये थोड़ा बहुत सही है बट थोड़ी बहुत कमियां हैं एंड इसकी हार्डनेस ज़रूर से आप 100 कर लेना जब आप इसकी कमियाँ ठीक करें एंड साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो ओवरऑल हमारे पूरे फोटो की कमी ठीक हो चुकी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रहे हैं बस। एंड इसके बाद कर देते हैं हमें डन। एंड डन करने के बाद इस वाले फोटो कर लेते हैं हम सेव। एंड सेव करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड को लाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, ये रहा वो बैकग्राउंड। इस वाले बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैं जितने भी PNG का यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। एंड इतना करने के बाद हमें जाना है ऐड फोटो पर एंड अपने पर्सन को करना है ऐड। सो कुछ इस तरह से हमें अपने पर्सन को कर लेना है ऐड एंड बस। एंड इसके बाद एक जाना है ऐड फोटो पर कर लेना है। इस वाली PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इतना करने के बाद हमें अपना मनी हिंस के टेक्स्ट की PNG लानी है। सो गाइस, कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद हमें इसे नीचे लाना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ब्लेंड में जाने के बाद हमें इसे कर देना है स्क्रीन। एंड इतना करने के बाद हमें एक PNG और ऐड करनी है एंड कुछ इस तरह से आपको लगा देना है एंड बस परफेक्ट। ओवरऑल हमारे पूरे फोटो में PNG लग चुकी है। अब आपको पता होगा किस चीज़ की कमी है। जी हाँ, अब हम लगाएंगे अपने फोटो में मार्क्स। जो जाना है ऐड फोटो पर एंड ये रही मार्क्स की PNG, हमें कुछ इस तरह से लगा देनी है। ये ध्यान रहे कि ये मार्क्स की PNG आपके फेस से बड़ी नहीं हो, इतनी बड़ी बकवास लेगी। जितनी बड़ी आपकी ये फेस पर फिक्स हो सके इतनी बड़ी इधर लगाना है। बस परफेक्ट है कुछ इस तरह से। एंड इसे क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी कर लेते हैं हम कम ताकि हमें इरेज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इरेज करने के बाद हमारी जो फिंगर है इसे इरेज कर देना है क्योंकि इरेज करने से ऐसा फील आएगा जैसे हमने मार्क्स को अपनी उंगली में पकड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से इरेज कर देंगे एंड सिंपली से करते हैं डन। एंड डन करने के बाद इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 100 एंड इतना करने के बाद देन करते हैं डन। हमारे फ़ोटो की सारी PNG ऐड हो चुकी है। अब हमें अपने फ़ोटो में डोज एंड बर्न करना है जो इस फोटो में ओवरऑल पूरा लुक दे देगा। इसके बाद हमें जाना है टूल्स पर एंड एडजस्ट पर जाने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है पूरी माइनस कर देनी है एंड जाना है रेज वाले टूल्स पर, इन्वर्ट पर क्लिक करना है एंड ब्रूस पर जाने के बाद साइज़ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। हार्डनेस का नहीं, माइनस एंड ओपेसिटी थोड़ी बहुत कम एंड हमें अपनी जो शर्ट है इस पर बर्न करना है कुछ इस तरह से। यानी कि बर्न का मतलब होता है जिस पार्ट में हमारी शेडो आ रही है उसे और ज़्यादा डार्क ब्लैक करना। तो इस पार्ट में हमें फ़ोटो के हिसाब से देखी जाए तो यहाँ पर शेडो आनी चाहिए तो हमें नीचे यहाँ पर शेडो कर देनी है
एंड साइज थोड़ा कम करने के बाद यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर यहाँ पर एंड यहाँ पर देन इसके बाद करते हैं सही पर क्लिक एंड कर देते हैं डन। डन करने के बाद हमें अगेन टूल्स के ऑप्शन पर जाना है एंड एडजस्ट में जाने के बाद अगेन इसकी जो ब्राइटनेस है वो माइनस कर देनी है। फिर इरेज पर जाने के बाद इन्वर्ट एंड ब्रूस पर क्लिक करने के बाद हार्डनेस माइनस एंड अब हमें इसका इफेक्ट हमारे फेस पर करना है क्योंकि आप देख रहे हो कि फेस की हमारी एक साइड पर यहाँ पर शेडो आनी चाहिए क्योंकि इधर से हमारी पड़ रही है लाइट। तो इसके लिए हमें साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ओपेसिटी कम एंड कुछ इस तरह से ब्रूस करना है। ये ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए, इसके ऑपोजिट थोड़ी और कम, साइज भी कम, कुछ इस तरह से लगा देनी है। इधर से लाइट आ रही है तो इसका मतलब हमारे नोज पर भी शेडो होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे एक बार इरेज कर देंगे हल्का हल्का बस। एंड इसके बाद हमें अपने हैंड पर भी यही करना है। ठीक है, कर दे रहे हैं डन एंड डन। इसके बाद हमारे पिक्सार्ट एप्लीकेशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि PNG, डोजनमेंट सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें अपने फ़ोटो को लेके जाना लाइट रूम में, थोड़ी बहुत इसकी लाइट एडजस्ट कर लेते हैं जिससे हमारे पूरे फ़ोटो में एकदम रियलिस्टिक लुक आएगा। सो गाइस अब बढ़ते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस हमारा फोटो हो चुका है लाइट रूम एप्लीकेशन में इम्पोर्ट। सबसे पहले हमें जाना लाइट पर एंड इसका कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज कर देना है, हाईलाइट को थोड़ा कम एंड शेडो को थोड़ा सा इनक्रीज, वाइट को थोड़ा इंक्रीज एंड ब्लैक को कम, वाइट को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है डन। इसके बाद हमें जाना है लाइट वाले टूल्स पर एंड इसकी वाइब्रेंस को माइनस करना है। जी हाँ, हमें इसमें इसका अगर हम पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे तो इसमें कलर का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट हमें कलर का इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा रियलिस्टिक वाला फील चाहिए बस। इसके बाद जाना है हमें कलर वाले टूल्स पर, जो हमारी स्किन का कलर है इसे थोड़ा सा ब्राइट करते हैं एंड हमारी जो येलो कलर है इसकी सिचुएशन माइनस कर देते हैं, ज़्यादा नहीं इतनी बस, करते हैं डन। एंड हमें जाना है अब इफेक्ट वाले टूल्स पर एंड इसकी जो है वो क्लियरिटी को इंक्रीज करना है एंड डिहेज को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड विग्नेट को थोड़ा कम बस। एंड शार्पनेस वाले टूल्स पर आकर इसकी शार्पनेस को इनक्रीज कर देनी है एंड थोड़ी बहुत मास्किंग करते हैं एंड ओवरऑल हमारा पूरा फोटो एडिट हो चुका है। इसके बाद हमें थोड़ा बहुत काम और है, हमें जाना है सिलेक्टिव टूल्स पर एंड हमें एक नीचे से ग्रेडियंट डालना है कुछ इस तरह से एंड इसकी एक्सपोजर को माइनस कर देना है एंड देन डन। सो गाइस हमारा फोटो पूरा कंप्लीट एडिट हो चुका है। सो गाइस फाइनली आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है एंड यहाँ तक देखी होगी तो जरूर से वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो करना जरूर से लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। एंड गाइस अगर आपको ये वाले फोटो की एडिटिंग समझ आ गई हो तो आप भी उठाएं अपना कुछ इस तरह से फोटो एंड एडिट करके कुछ ऐसा कर दें एंड जब आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करें तो मुझे टैग करना ना भूलना, आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। सो गाइस बस मिलते हैं ऐसे किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।